नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। परचून की दुकान पर अवैध रूप से ड्रग बेच रहे व्यापारी के यहां जिला प्रशासन ने की छापेमारी। अवैध नशीले इंजेक्शन के साथ एक हिरासत में। शहर कोतवाली क्षेत्र के दाल मंडी में आज सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह, जिला ड्रग विभाग एवं सहारनपुर ड्रग विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर किराना व्यापारी की दुकान पर छापेमारी करते हुए किराना व्यापारी की दुकान से अवैध रूप से ऑक्सीटोसिन नामक ड्रग की बरामदगी की है। यह ड्रग भैंसों को ज्यादा दूध देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अवैध रूप से बेचा जा रहा था। यह एक प्रतिबंधित ड्रग है जो यहां बेचा जा रहा था। वहीं छापेमारी करने आई टीम ने किराना व्यापारी को हिरासत में लेते हुए उसके पास से भारी मात्रा में अवैध ड्रग बरामद किया है। पकड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस छापेमारी के दौरान नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के क्रम में एक अभियान अवैध ड्रग के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला मुजफ्फरनगर में एक अभियान चलाया गया है, जिसमें ऑक्सीटोसिन एक ड्रग होता है जो पशुओं में दूध की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। यह ड्रग प्रतिबंधित है। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यापारी अपनी दुकान से इस प्रतिबंधित दवाई को बेच रहा था और सेट ही इस परचून की दुकान से कुछ दवाइयां भी बरामद की गई हैं। इस व्यापारी के पास दवाई बेचने का लाइसेंस भी नहीं था। संबंधित दुकानदार को हिरासत में लेते हुए सारे माल को सीज कर दिया गया है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की जो ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है। पकड़े हुए दुकानदार स्वामी के विरुद्ध पशु क्रूरता व आईपीसी अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और इस संबंध में आज मुजफ्फरनगर में भी एक अभियान चलाया गया, जिसमें जो ऑक्सीटोसिन एक ड्रग होता है जो कि पशुओं में उनकी दूध बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, वो चूंकि प्रतिबंधित है। और आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि दाल मंडी क्षेत्र में एक व्यापारी अपने परचून की दुकान से उनका अवैध रूप से विक्रय कर रहा है, तो सूचना के उपरांत तो वहाँ पर छापा मारा गया और एक अच्छी बड़ी मात्रा में उन सभी ड्रग्स को बरामद किया गया है। साथ ही परचून की दुकान से उनके द्वारा मेडिसिन भी सेल की जा रही थी जिनका लाइसेंस उनके पास नहीं था, तो हमने संबंधित दुकानदार को अपनी हिरासत में लिया है और सारे माल को भी सीज किया है। और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की जो ड्रग्स की टीम थी उन लोगों ने आज संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। देखिए, इसमें पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत ड्रग्स डिपार्टमेंट की ओर से इसमें FIR कराई जाएगी और साथ ही इसके सैंपल जो लिए हैं वो भी हम ऊपर भेजेंगे। अगर वो भी फेल होके आते हैं तो उसमें जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई होगी। सर, कब तक ये अभियान चलेगा? सर, ये 14 से लेकर 20 तक का अभियान अभी है हम लोगों का और हम लोग लगातार इसमें आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। अभी इसको हम लोगों ने हिरासत में लिया है, इससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद जानकारी दे पाएंगे।